आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ के पहाड़ और यहाँ की जो हरियाली है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो चलते हम देखते हैं यहाँ के नज़ारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, चट्टानें दिख रही हैं। ये मेरे भैया भाभी हैं और ये दोनों लाई चना एंजॉय कर रहे हैं और भाभी जी सभी को हाय बोल रही हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ इको पॉइंट के एकदम बीच में बनी हुई है गणेश जी की मूर्ति, जो गोल्डन कलर से कलर की गई हुई है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। मैं इसको आपको और पास से दिखाना चाहूंगी, इको पॉइंट से ये नज़ारे देख सकते हैं। देखिए नदी भी यहाँ दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत नदी है और ये हरियाली यहाँ की, दूर दूर तक देखिए सिर्फ हरियाली दिख रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको जब भी यहाँ पर सोनभद्र आने का मौका मिले तो आप सोन इको पॉइंट जरूर आइएगा और यहाँ की खूबसूरत वादियों का मजा लीजिएगा। यहाँ पर आ गए हैं पंचमुखी पहाड़ी, और पंचमुखी पहाड़ी का नाम पंचमुखी पहाड़ी क्यों पड़ा ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग का मंदिर है इसलिए इसका नाम पंचमुखी पहाड़ी पड़ा है। मंदिर मेरे जस्ट पीछे है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मंदिर है और देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। मैं पहले आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाऊंगी पंचमुखी पहाड़ी के, उसके बाद फिर हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो हम आपको पहले यहाँ के जो नज़ारे हैं पहाड़ी के उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम मंदिर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ के पहाड़ और यहाँ पर ढेर सारी चट्टाने हैं। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं, अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। फाइनली देखिए मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मंदिर कैंपस में, और हम आपको चलते हैं पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कराती हूँ मैं आपको। ये हम मंदिर देखिए, मंदिर के गेट पर हम आ चुके हैं और लोग यहाँ पर बताते हैं कि ये मंदिर 15,000 साल पुराना है और इसके लिए मैंने सुना है कि इसको पहले औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, फिर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इस मंदिर को फिर से बनवाया है और तब से ये मंदिर ऐसे ही है। और मैं चलती हूँ आपको शिवलिंग के दर्शन कराती हूँ। फाइनली मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन आपको मैं कराती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बहुत ही आस्था के साथ, और ये इतना पुराना मंदिर है, 15,000 साल पुराना मंदिर है। फाइनली हम पंचमुखी शिव के दर्शन कर चुके हैं शिवलिंग के, अब हम मंदिर से बाहर चलते हैं। पंचमुखी पहाड़ी से निकलकर मैं आ गई हूँ श्रद्धा सब्जी ढाबा। यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है और इनकी चाय की क्या खासियत है इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये यहाँ का बहुत ही फेमस ढाबा है और यहाँ पर खाने से लेकर स्नैक्स सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं खाने की। तो हम चलते हैं इनकी चाय पहले टेस्ट करते हैं। फाइनली इनकी चाय देखिए ये आ चुकी है। मैंने यहाँ पर तीन चाय मंगाई क्योंकि हम लोग तीन लोग हैं, इसलिए मैंने तीन चाय मंगाई है यहाँ पर। और इनकी चाय की खासियत क्या मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले कुल्हड़ आप देखिए कितना स्टाइलिश कुल्हड़ है, बहुत ही खूबसूरत कुल्हड़ है इनका। और चाय कैसी है अब चाय को मैं टेस्ट करूंगी तो बताऊंगी। तो चाय मैं देखती हूँ पीकर इनकी, चाय इनकी बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। इसमें अदरक का बहुत अच्छा इन्होंने फ्लेवर दिया है, बहुत ही टेस्टी चाय है। जब भी आप यहाँ सोनभद्र आइए तो यहाँ पर इस ढाबे में जरूर आइएगा, श्रद्धा सब्जी ढाबे में, उनकी चाय और बाकी के भी स्नैक्स को टेस्ट कीजिएगा, खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। तब तक मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।